ओम साई राम, हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। मनुष्य की आकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं, वो गहरे समुद्र की तरह है जो कभी नहीं भरती, कभी समाप्त नहीं होती। जो है, जितना है, उसी में सब्र करें, उस मालिक का शुक्रिया अदा करें। क्योंकि अगर वक्त रहते हम इन सब की भी कदर ना कर पाए, तो वह परमात्मा हमसे वक्त भी छीन लेंगे और उस शख्स को भी छीन लेंगे। जैसे मिट्टी के बर्तन में भरे हुए दूध की कीमत सोने के बर्तन में भरे हुए विष से ज़्यादा होती है, वैसे ही मनुष्य की बाहरी सुंदरता से ज़्यादा उसकी अंदरूनी सुंदरता का ज़्यादा महत्व है। जो इंसान आपको समझता है और अपना कीमती समय आपको देता है, आपकी परवाह करता है, तो ऐसे इंसान की वक्त रहते कदर कीजिए। क्योंकि अगर एक बार वक्त हाथ से निकल गया, तो वह फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। क्यों व्यर्थ अपना समय बर्बाद करते हैं ऐसे लोगों को समझाने के पीछे, जो आपको कभी समझ ही नहीं पाए, जो आपके प्रति गलत धारणा बना चुका है। आप उसे लाख समझाने की कोशिश करें, तब भी वह आपको गलत साबित कर देंगे। तो इसलिए जो अपने पास है, उसी में सब्र करें और संतोष करें। जो इंसान आपका बुरे समय में साथ निभाए, उसकी कदर करें। क्योंकि रिश्ते भी उस पेड़ की तरह होते हैं, जो एक बार सूख जाए, तब उसे बार बार पानी डालने पर भी फिर से कभी हरा भरा नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें अपने रिश्तों की वक्त रहते कदर करनी चाहिए, उनकी अहमियत को समझना चाहिए। क्योंकि कभी कभी इंसान पर ऐसा वक्त आ जाता है कि उसके पास समय भी होता है और लेकिन उसके पास वह इंसान नहीं होता है, वह रिश्ता नहीं होता है, वो सदा सदा के लिए हमसे छूट जाता है। तो इसलिए जो अपने पास है, उसकी अहमियत को समझें, उसकी कदर करें। क्योंकि वह परमात्मा हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सुखद है, जो हमारे लिए अच्छा है। तो उस मालिक के फैसलों में सदैव सहमत रहें, उनका नाम जपते रहें, सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साई राम, हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।